केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदेंगे, दूसरे राज्यों से कम कीमत पर बेचा जाएगा। दिल्ली NCR में कंज्यूमर्स के लिए कम कीमत वाले टमाटर का फ्रेश स्टॉक 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा। देश में ज़्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपये के पार पहुँच गई हैं। सरकार ने कहा कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ये ताज़ा स्टॉक जारी किया जाएगा उनकी पहचान पिछले एक महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। मानसून में टमाटर के उत्पादन में कमी से बढ़ती है कीमतें। अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के हिसाब से उत्पादन की मात्रा कम ज़्यादा रहती है। देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में टमाटर का ज़्यादा उत्पादन दिसंबर से फरवरी के बीच होता है। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर नवंबर में टमाटर का उत्पादन कम होता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नई फसल की आवक से घटेंगे दाम। सरकार ने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहरों को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से स्टॉक मिल रहा है। कर्नाटक में 2.5 टन टमाटर से भरा ट्रक हाईजैक, टक्कर से कार का शीशा टूटा था। कार सवारों ने हर्जाना मांगा, नहीं मिला तो ट्रक ले गए। कर्नाटक में टमाटर से भरा ट्रक हाईजैक करने का मामला सामने आया है। ट्रक में 2.5 टन टमाटर लोड था। इसकी कीमत 3 लाख रुपये बताई जा रही है। अपडेट मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।